बात करें कुछ मौसम की, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में आज से 27 अगस्त तक शदीद बारिशों का इम्कान है। दरिया सतलुज में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। मानसून बारिशों से पानी में मजीद इजाफा पैदा होने का खदशा है। हेड सुलेमानकी के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। मंचनाबाद और हेड सुलेमानकी पर 1,36,000 क्यूसी का सैलाबी रैला है। हेड इस्लाम के मुकाम पर दरमियानी दर्जे का सैलाब है। गंडा सिंह के मुकाम पर दरमियानी दर्जे का सैलाब है। दरिया जेहलम में रसूल बेराज के मुकाम पर पानी की सतह में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। दरिया सिंध में तरबेला के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। आपको बताएं कि लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में आज से 27 अगस्त तक शदीद बारिशों का इम्कान है। दरिया सतलुज में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। मानसून बारिशों से पानी में मजीद इजाफा होने का खदशा पैदा हो गया। हेड सुलेमानकी के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। मंचनाबाद हेड सुलेमानकी पर 1,36,000 क्यूसी का सैलाबी रैला गुजर रहा है। हेड इस्लाम के मुकाम पर दरमियानी दर्जे का सैलाब है। मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा कैपिटल टीवी मियामिर जमील से। मियामिर जमील, मौसम के मुतालिक अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल अफसा, देखा जाए तो इस वक्त पीडीएमए की जानब से एक अलर्ट जारी किया गया जिसमें मानसून बारिशों का सिलसिला 27 अगस्त तक जारी रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, जबकि तमाम बड़े दरियाओं के फलाई इलाकों में बारिश मतवक्का हो सकती है। दरिया सतलुज में सैलाबी सूरत हाल अभी तक बरकरार है, जबकि बारिशों से दरिया सतलुज में मजीद पानी बढ़ने का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। इसी तरीके से अगर हम बात करें गंडा सिंह के मुकाम पर, इसका दरमियानवे दर्जे का सैलाब है, जबकि गंडा सिंह से इस वक्त 1,15,000 क्यूसिक का पानी का जो है रेला वो गुजर रहा है, जबकि हेड सुलेमानकी के मुकाम पर इस वक्त ऊंचे दर्जे का सैलाब बताया जा रहा है। सुलेमानकी के मुकाम पर इस वक्त 1,36,000 क्यूसिक पानी का रेला जो है वो गुजर रहा है, जबकि हेड सुलेमान के मुकाम पर इस वक्त दरमियानवे दर्जे का सैलाब जो है वो पीडीएमए की जानब से बताया जा रहा है, जबकि हेड सुलेमान पर पानी की आमद जो है वो 94,223 क्यूसिक है, जबकि अखराज जो है वो 93,123 क्यूसिक बताया जा रहा है। इसी तरीके से दरिया जेहलम में रसूल बेराज के मुकाम पर पानी की सतह में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरीके से दरिया सिंध में तरबेला के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब बताया जा रहा है, जबकि मंगला और तरबेला डैम में 100% जो है 100% भर चुके हैं, जबकि पंजाब के दीगर दरियाओं में भी पानी का बहाव जो है वो नॉर्मल बताया जा रहा है। लेकिन सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर इस वक्त अगर हम बात करें तो इंतजामिया को हाई अलर्ट कर दिया गया है, जबकि इंतजामिया आवाम को एमरजेंसी सूरत हाल से आगाह करने के इकदाम भी जो है वो कर रही है, जबकि सोशल मीडिया टीवी अखबार के अलावा मसाजिद में भी ऐलान के जरिए आवाम को आगाही फराहम की जा रही है। लेकिन इंतजामिया नदी नालों में नहाने पर पाबंदी को यकीनी बनाने के लिए भरपूर कोशिश कर रही है। दूसरी जानब इस वक्त दरिया जहां पर सैलाब है वहां पर इस वक्त दफा 144 का भी नफाज किया गया, लेकिन दूसरी जानब अगर हम बात करें तो इस वक्त भारतीय आबादी जारियत के बाद जो है इस वक्त सैकड़ों एकड़ जो है वो फसलें जो है वो जेरे आब आ चुकी है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा नुकसान का जो है खदशा जाहिर किया जा रहा है। जी जी ठीक है मियामिर जमील, आपका शुक्रिया, आपने आगाह किया।